हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे गाजर हलवा रेसिपी, बहुत ही इजी एंड टेस्टी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस। ये हमने 1 kg गाजर ले लिया है, जिसे हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। 250 ग्राम शुगर ले लिया है, शक्कर, 10 बादाम ले लिए हैं, उसे हमने इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 8 से 10 काजू ले लिए हैं, उसे भी कट कर लिया है। 100 ग्राम मावा ले लिया है। 50 ग्राम देसी घी ले लिया है। 4 इलायची ले लिया है, जिसे हमने इस तरह से पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, जिसे गर्म कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक पैन गर्म कर लेंगे और उसमें गाजर ऐड कर लेंगे। जैसे अभी सीज़न है, गाजर भी आता है विंटर में, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे फास्ट फ्लेम पर पकने देंगे और इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे हम फास्ट फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे जब तक के पानी सूख ना जाए। देखिए, अभी इसमें पानी है क्योंकि गाजर जो है वो भी पानी छूटता है उसमें से भी, और जो हमने दूध ऐड किया है वो भी हम पूरी तरह से सूखने देंगे। फास्ट फ्लेम पर हमने इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है। बीच बीच में हम चेक करेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। शुगर ऐड करने से भी उसमें पानी छूटने लगेगा, तो आप इसे फास्ट फ्लेम पर पूरी तरह से भून लें फिर से। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे, देसी घी ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गाजर के पानी को हमने पूरी तरह से सुखाने के बाद उसमें घी ऐड किया है। जितना अच्छा ये पकेगा गाजर, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और लगभग फिर से हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दिया है। और हमारा गाजर जो है वो पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें मावा ऐड कर लेंगे। काजू और बादाम ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई किशमिश नहीं खाता है, उसमें थोड़ा खट्टा जैसा स्वाद आता है, तो आप चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मावे से गाजर के हलवे में टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसे लगभग हमने स्लो फ्लेम पर फिर से 2 मिनट पका लिया है। अब फास्ट फ्लेम पर हम इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे मावे के साथ। काजू बादाम भी ऐड कर लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।